गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आज हमारा टॉपिक है ओव्यूल। देखो ये जो टॉपिक है ये अपना यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकेंड जो है, वहां से अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ओव्यूल। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ाया सभी ने कि ओव्यूल्स क्या होता है, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अपने को ओव्यूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो देखो सभी ने पढ़ा होगा कि कोई भी प्लांट रहते हैं, चाहे मेल प्लांट रहे चाहे फीमेल प्लांट रहे, तो अपने को पता है कि जब भी ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा ये हमेशा कौन से फ्लावर में होगा, फीमेल फ्लावर में। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि कोई भी जब गैमेट बनते हैं, जब बनते समय कोई भी गैमेट बनते हैं तो गैमेट टू टाइप्स के रहते हैं, एक होता है तुम्हारा मेल गैमेट और दूसरा रहता है फीमेल गैमेट। रहता है एक मेल गैमेट रहता है, सेकंड कौन सा गैमेट रहता है, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या कहलाता है तुम्हारा, एंडोशियम, और फीमेल गैमेट क्या कहलाता है तुम्हारा, डायोशियम। क्या कहलाता है ये, कहलाता है एंड्रोशियम, और फीमेल गैमेट कहलाता तुम्हारा गायनोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच में ही अपने को जो ओव्यूल्स है ये किस प्रकार से फॉर्म होता है किसी फीमेल गैमेट के अंदर, इसका नाम है क्या है, गायनोशियम। तो ओव्यूल्स द मेगा स्पोर एंड द एम्ब्रियोस दे आर फॉर्म इन द ओव्यूल्स। तो हमेशा याद रखना कि जब भी ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा क्या होगा, ये जिप गायनोशियम को बनाने वाली जो मेगा स्पोर जो सेल्स रहती है ये आपस में मिलकर और साथ में या बोलेंगे अपन एम्ब्रियो से ये दोनों मिलकर जायगा फॉर्म करते हैं ओव्यूल्स में। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये आप लोग देख रहे हैं जो ये लेयर है, ये लेयर तुम्हारी कौन सी, एम्ब्रियो से। इसी एम्ब्रियो से के अंदर ही जायगा फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप लोग ये स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, तो अपन एक एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर किस प्रकार से मिलकर बना है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इसकी क्यूनिकल, इसकी बात करेंगे क्यूनिकल। तो आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा ये जो एक लेयर दिख रही है आप लोग को, तो क्या होता है जब भी कोई ओव्यूल्स जिस पार्ट से, मतलब ये जो ओव्यूल्स है अपने प्लेसेंटा के द्वारा जिस पार्ट से अटैच होता है उसे अपन बोलते हैं क्यूनिकल। मीनिंग ये है जैसे ये कम्प्लीटली ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल्स का, आजू बाजू जो लेयर है ये तो उसके पूरे स्ट्रक्चर को बता देंगे, पर जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, यहाँ पर आकर अटैच होकर एक प्लेसेंटा रहता है, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस प्लेसेंटा के द्वारा ही फ्यूनिकल क्या रहता है, जुड़ा रहता है। तो ऐसा पार्ट बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने वाला पार्ट से अपन क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। ठीक है, सेकेंड पार्ट से अपना न्यूसेलस, क्या है न्यूसेलस। अब देखो यहाँ पर ये आप लोग देख रहे होंगे ये कम्प्लीटली स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेक का। तो एम्ब्रियो सेक जहां पर अटैच रहता है, एम्ब्रियो सेक को कवर करने वाले जो लेयर है उसे अपन क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। क्या बोलेंगे, न्यूसेलस, कि जो पूरा एम्ब्रियो सेक को क्या कर रही है, कवर कर रही है। नेक्स्ट थर्ड है अपना इंटेग्यूमेंट्स। तो कंप्लीट जो ओव्यूल रहता है ये जिस पार्ट के ऊपर अटैच रहता है, मतलब अब जो ओव्यूल है ये कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी पार्ट से उसका जो बेस बनाएगा, तो बेस बनाने वाला पार्ट तुम्हारा क्या कहलाएगा, इंटेग्यूमेंट। तो यहां पर दो प्रकार के इंटेग्यूमेंट्स है, एक इनर इंटेग्यूमेंट और दूसरा कौन सा है, आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो इनर इंटेग्यूमेंट मतलब कौन सा, जो न्यूसेलस से बिल्कुल अटैच रहेगा, जो उसकी पहली लेयर बनाएगा, और जो सेकंड लेयर बनाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट। क्या बोला मैंने, इनर में क्या हो जाएगा वो, ये कंप्लीटली किससे जुड़ा रहेगा, ये न्यूसेलस से, और लास्ट वाली लेयर क्या रहेगी, जो इनर इंटेग्यूमेंट से किससे जुड़ रहेगी, आउटर। मतलब न्यूसेलस की जो लेयर बनाता है या कंप्लीटली उसको प्रोटेक्ट करने वाला भाग क्या कहलाएगा, तुम्हारे इंटेग्यूमेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है रेपा। तो डायग्राम में आप लोगों को एक रेपा दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को रेपा, रेपा इन विच पार्ट, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इन विच पार्ट द फ्यूनिकल ऑफ फ्यूजन एंड दे आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर। मतलब जब भी फ्यूनिकल जब फ्यूजन होता है तो ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर का बनाता है, मतलब लेंथ वाइज स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी लेंथ वाइज स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, रेपा। क्या बोलेंगे इसको, रेपा। नेक्स्ट एक और पार्ट दिख रहा हूं आप लोगों को, चलाइजा दिख रहा है ऊपर हाथ जो है चलाइजा का। तो चलाइजा इन विच पार्ट द इंटेग्यूमेंट्स ऑन द बेस, मतलब जहां से इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिन होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, चलाइजा। जहां पर आउटर इंटेग्यूमेंट्स है तुम्हारे और इनर इंटेग्यूमेंट्स है, ये मिलकर ही काय का भाग बनाते हैं, चलाइजा का। एक और टॉपिक छूट रहा है अपना, या एक और पॉइंट छूट रहा है जिसका नाम है हिलम। ठीक है, तो देखो हिलम एक ऐसा अटैचमेंट पार्ट होता है जहां पर फ्यूनिकल्स और ओव्यूल आकर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। बात समझ में, मतलब ये ओव्यूल से कंप्लीटली ये जो पार्ट है दिख रहा है हिलम वाला पार्ट, तो फ्यूनिकल और ओव्यूल को अटैच करने वाला, मतलब दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है
उसे अपन क्या बोलेंगे, इलम। क्या बोलेंगे इसके ऊपर, इलम बोलेंगे। अब इसमें आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर में दो चीज दिखाई दे रही होगी, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स, लिख रहे हैं आप लोगों को सेल्स। तो याद रखना कि किसी भी न्यूसेलस के अंदर या किसी ओवल के अंदर तीन प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं, तीन प्रकार की। एक रहते हैं तुम्हारे एंटीबॉडल सेल्स, सेकेंड रहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और थर्ड रहते हैं एगेफ्रेटर्स। उनको क्या बताया हमने, एक एंटीबॉडल सेल्स, सेकेंड रहते हैं पोलर न्यूक्लियाई और एगेफ्रेटर्स। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी ओवल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी रहेगी, 8 सेल्स। कितनी रहेगी, 8 सेल्स। कितनी रहेगी, 8। अब ये तीनों 8 सेल का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना अब मैं बताता हूं फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। पता है सभी को, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जब आफ्टर पॉलिनेशन टू मेल गैमेट्स आर इंटर इनटू द एम्ब्रियो स्टेज, मतलब जो कितने दो मेल गैमेट जो है जब पॉलिनेशन के द्वारा क्या होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर रीच होते हैं, मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंटर टू स्टिग्मा। तो जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं उस पोलन ग्रेन्स कहां से, कहां पर रीच होंगे, स्टिग्मा के ऊपर। तो हमेशा दो मेल गैमेट एंटर करते हैं, और दो मेल गैमेट जब इंटर करते हैं तो वो इंटर करने वाले जो लेयर है इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। मतलब इसी माइक्रोपाइल से होते हुए क्या जाते हैं, मेल गैमेट के अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर करते हैं। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी सेल्स पाई जाती है, टू टाइप्स ऑफ पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और थ्री टाइप्स ऑफ एगेफ्रेटर्स सेल्स पाए जाती है। तो यहीं पर क्या होता है, मेल गैमेट्स आपस में आकर जाते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।